गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस का मतलब है कि जहाँ पर अधिकार होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपना अधिकार को दर्शाता है। पजेसिव केस में आपके तीन टाइप हैं। पहला है पजेसिव वर्ड्स के द्वारा, पजेसिव वर्ड्स का यूज़ करके। दूसरा है अपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज़ करके। और तीसरा है ऑफ का यूज़ करके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पजेसिव वर्ड्स के द्वारा। तो पजेसिव वर्ड्स, देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि सबसे पहले हम पजेसिव यूज़ करते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माई, देयर, योर, आवर, ये सब क्या है हमारे पजेसिव में। और उसके आगे देखिए नाउन यूज़ हो गया है, जैसे माई बुक, माई बुक्स, देयर बुक, देयर बुक्स, ये सभी सही हैं। मेरी एक किताब भी हो सकती है और मेरी कई किताब भी हो सकती है। देयर बुक, उनकी एक किताब भी हो सकती है और उनकी कई किताबें भी हो सकती हैं। ओके, तो पजेसिव वर्ड्स में पजेसिव आपको लगाना है, जैसे माई, योर, हिज, हर, और उसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन जोड़ देना है। लेकिन खेल इतना नहीं है, खेल है अपोस्ट्रॉफी और एस के बारे में। अपोस्ट्रॉफी एंड एस, जिसका भाव निकलता है का, की, के, का, की, के। वी यूज़ इट विद लिविंग ओनर। हम इसके साथ, इसको लिविंग ओनर के साथ यानी लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि राम, यहाँ पे देखिए लिखा है राम्स बुक। सबसे पहले हम राम लिखेंगे, एक छोटा सा अपोस्ट्रॉफी लेंगे, एस लिखेंगे और फिर लिखेंगे बुक, तो हो जाएगा राम की किताब। या वॉल्स कलर, दीवार का कलर। अब देखिए ये देखिए सही है लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज़ करते हैं, ना कि नॉन लिविंग के साथ। राम यहाँ पे लिविंग था इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, राम लिखेंगे, एक अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लिखेंगे, फिर बुक लिखेंगे, तो राम की किताब। समझ में आ रही है ना बात? राम की किताब, का की के का भाव निकलता है। और यहाँ पर देखिए हम ये नहीं बोलेंगे दीवार का कलर, क्योंकि दीवार जो है यानी वॉल्स जो है वो नॉन लिविंग होती है, ना कि लिविंग होती है। तो दीवार का कलर ये सही नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या सही होता है वो आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड रूल है ऑफ का यूज़ करके लिविंग या नॉन लिविंग किसी भी ओनर का फ्रेज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि राम्स बुक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया कि राम्स बुक भी लिख सकते हैं और द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं। लेकिन उसी के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था द वॉल्स कलर गलत था, है ना, जबकि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कलर ऑफ द वॉल्स, ये सही है। यानी अगर आपको ये बोलना है कि दीवार का कलर, तो उसको इंग्लिश में हम लिखेंगे द कलर ऑफ द वॉल्स, ना कि हम ये लिखेंगे वॉल्स कलर। वॉल्स कलर लिखना गलत है जबकि द कलर ऑफ वॉल्स लिखना सही है। रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। अच्छा, ये जो ऑफ है, ऑफ का यूज़ चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए कर सकते हैं। जबकि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ मैंने आपको बताया कि आप केवल और केवल लिविंग के लिए ही करेंगे। रूल नंबर थ्री, कॉमन नाउन या प्लूरल बनाने पर अगर बाद में एस आ जाए तो दो बार एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक अपोस्ट्रॉफी ही लगाते हैं। अगर कॉमन नाउन है उसका मैंने प्लूरल बना दिया, जैसे बॉय का मैंने बॉयज बना दिया, तो आप यहाँ पे एक और एस का यूज़ नहीं करेंगे, बॉयसेस हॉस्टल नहीं लिखेंगे, केवल बॉयस लिखेंगे और केवल एक अपोस्ट्रॉफी का ही यूज़ करेंगे, ना एक और एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल, टीचर्स रूम, हैप्पी टीचर्स डे, इसके बारे में एक बार मैंने बताया भी था आपको कि कैसे लिखा जाता है। ओके, तो जब प्लूरल बन रहा है तो केवल एक अपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए, डबल एस नहीं लगना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे हैं एस आना चाहिए, एस का आना ज़रूरी है। कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता है, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रेन, मैन, है ना, तो वहाँ पे आप अपोस्ट्रॉफी के साथ एस का भी यूज़ करेंगे, जैसे फातिमा इज़ वुमेन्स हॉस्टल, हॉस्पिटल,
तो यहाँ पे देखिए वुमेन जो है उसके साथ एस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ कर सकते हैं। जबकि देखिए बॉयज़, टीचर्स, है ना, इन सब में एस आ रहा है। चिल्ड्रन देखिए एस नहीं आ रहा है ना, तो आप अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रंस पार्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, ओनर जिस नाउन पे अधिकार दिखा रहा हो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही पजेसिव का। जैसे कि आई नो दैट दिस इज़ राम्स आ बुक, तो ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है तो अभी बताया गया, जिसके बारे में अधिकार दिख रहा हो उससे पहले आर्टिकल या पजेसिव का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए बुक से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ए यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, केवल होगा राम्स बुक। सही क्या होना चाहिए, आई नो दैट दिस इज़ राम्स बुक, ना कि राम्स आ बुक। नेक्स्ट देखिए आई थिंक सीताज हर बुक, अब देखिए यहाँ पे पजेसिव का यूज़ फिर कर दिया है, या हर का यूज़ नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। रूल नंबर 5, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी कि कोई अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसको लिविंग थिंग की तरह हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग जो चीज़ें होती, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स को हम मानवीकरण उसका कर दें, उसको लिविंग मान लें, तो हम कर सकते हैं। देखिए द फैंस साउंड, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। पंखे की आवाज़, ये नहीं सही है, ठीक है ना। ये सेंटेंस, ये फ्रेज सही नहीं है, होना चाहिए द फैंस लॉफ्टर। क्यों, यही सही है, क्योंकि जो फैन है उसको वो हंस रहा है, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर मानवीकरण कर दिया गया, फैन आवाज़ नहीं करता है। फैन को मैंने अभी बताया कि नॉन लिविंग के साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग को अगर आप लिविंग बनाने की कोशिश करेंगे, पंखे को आप हंसने वाला सेंस दे रहे हैं। जैसे कंघे में आपने कंघा देखा होगा, कंघे में देखिए टीथ निकले होते हैं, है ना। तो कॉम्स टीथ कहना एकदम सही है, क्यों, क्योंकि भाई कॉम के टीथ होते नहीं है भाई, टीथ तो ह्यूमंस के होते हैं, जानवरों के होते हैं, तो कॉम्स टीथ कहना सही होता है। ऐसे देखिए डेथ्स आई सी हैंड, अब देखिए मृत्यु के ठंडे हाथ, तो देखिए मृत्यु के हाथ कहाँ हो सकते हैं भाई, लेकिन जो है मृत्यु को अगर हम मानवीकरण कर रहे हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आप करेंगे। देखिए बेटा जो पॉइंट आप लोगों को ना समझ में आए मुझसे एक बार फिर से बात कर लीजिएगा। रूल नंबर 6, डिस्टेंस, टाइम, ड्यूरेशन के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एन इंचेस गैप, एक इंच का गैप, या टू इंचेस गैप, दो इंचेस का गैप, देखिए यहाँ पे एस आ रहा था तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा दिया गया है। आ मिनट्स ब्रेक, एक मिनट का ब्रेक, ओके, तो ये सिंपल था। रूल नंबर 7, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एक्शन करने की कैपेसिटी रखता है उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे आ कॉलेज सिलेबस, एक कॉलेज का सिलेबस, या द यूनिवर्सिटीज रिजल्ट, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट। आप देख पा रहे होंगे मैंने आप लोग से बताया था अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये सब तो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के साथ तो नहीं आता है भाई अपॉस्ट्रोफी एस। लेकिन मैं लिख क्या रहा हूँ कि वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर एक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, सबसे पहले प्लेस का नेम लिखा जाएगा, अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ लिखा जाएगा, और उसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, यही पैटर्न होता है। जैसे इंडियाज़ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज़ पहले प्लेस का नाम, उसके बाद देखिए अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ किया गया है, इंडियाज़, और उसके बाद सुपरलेटिव भी आना चाहिए, तो इंडिया का बेस्ट। और प्राइम मिनिस्टर से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, ये छुपा हुआ है, केवल इतने से मतलब है हमें, इंडियाज़ बेस्ट, ओके। रूल नंबर 9, अपॉस्ट्रोफी एंड एस के बाद यदि कोई एक्शन वर्ड है तो जिरण फॉर्म में होगी, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड है तो वो जिरण फॉर्म में होगी। जैसे सीताज लॉफिंग, सीता की हंसी, ना कि सीताज लॉफ, बस में राम्स राइटिंग, देखिए राइटिंग, लॉफिंग, ये सब क्या है, जिरण है। अब पूछेंगे आप जिरण क्या होता है, तो भाई आप सिंथेसिस देखिए समझ में आएगा जिरण क्या होता है। राम की राइटिंग, ठीक है, राम की राइटिंग अच्छी है। रूल नंबर 10, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके एंडिंग जो है वो सा साउंड से होती है, एस साउंड से नहीं, सा साउंड आना चाहिए। जैसे मेरा नाम ही ले लीजिए, विकास, तो अगर आप विकास लिखेंगे
तो बच्चे के मन में आएगा कि ये तो प्लूरल लग रहा है, यहाँ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना चाहिए, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग, मेरा नाम क्या है, कॉमन नेम है, मेरे जैसे बहुत हैं। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं विकासेस बुक या जेम्स बुक या कशिश बुक, यहाँ रितेश बुक, एच को नहीं देखना है, सा साउंड को देखना है। तो जिनमें जनरल नेम होते हैं, जिनमें सा साउंड आ रहा होता है, उसमें आप डबल डबल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डबल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ पॉपुलर या हिस्टोरिकल नेम होते हैं, उनके साथ आप नहीं करते हैं, जैसे जीसस। अब जीसस क्राइस्ट जो है दुनिया में एक ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए केवल एक एस और अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ये जो एस है वो उनका नाम का ही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, तो आर्किमिडीज के बाद एक केवल कॉमा, वो एक कॉमा का यूज़ करेंगे, यानी कि एक अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। सॉक्रेट्स के बाद सॉक्रेट्स फिलॉसफी या कालिदास लिटरेचर, यहाँ पर आप एक और एस का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पर देखिए दो एस हैं मेरे नाम पर, है ना, मेरे नाम वाला एस और अपोस्ट्रोफी वाला एस। यहाँ पर देखिए इनके कालिदास का तो एस है, लेकिन एक और एस नहीं है। ये पॉपुलर हिस्टोरिकल नेम है और ये जनरल नेम है, ठीक है, केवल यही एक दो कुछ नेम है जिनके साथ ऐसा होता है, बाकी जो है नॉर्मली आप कहीं भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि नेम के साथ जो अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है उसकी गलती एरर नहीं मानी जाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो पार्ट आपको, जो रूल आपको नहीं समझ में आया वो मुझे बताएं। ओके, गुड डे।